यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्लांचो है, देसी क्लांचो, और इसमें जो है अब विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, ये जो है इसमें मिक्स मैच है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ जो है मदर ऑफ थाउजेंड के बीज गिर दिए, तो ये प्लांट भी हैं उगाए हैं। ये देखिए, और ये क्लांचो का है, ये देखिए ये क्लांचो का है, और यहाँ पे भी ये देखिए ये मदर ऑफ थाउजेंड के हैं। ये देखिए, इसके बीज जहाँ गिरते हैं वहीं ये पौधा जो है ग्रो हो जाता है। और आप देखिए इसमें है, और ये मैंने एक यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है, ये क्लांचो की कटिंग है, देसी क्लांचो है ये, और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक इनके फूल जो है बने रहते हैं, और ये कटिंग से बहुत आसानी से जो है ग्रो हो जाता है दोस्तों। पर आपको करना बस यही है, यहाँ से आप कट कीजिए यहाँ से, और इसे मिट्टी में आप लगा दीजिए, ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं इनमें, छोटे छोटे रेड कलर के फूल, और काफ़ी समय तक बने रहते हैं ये फूल इनके। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक छोटी सी और भी बॉटल है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी बॉटल है रसोई घर से निकली हुई, और इसमें देखिए क्लांचो की कटिंग, और ये देखिए बहुत अच्छा, ये देखिए। और इसमें अब जो है और भी कटिंग मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, ताकि विंटर में मुझे और भी अच्छी फ्लावरिंग इस प्लांट में देखने के लिए मिले। तो ये देखिए, छोटे छोटे बैग्स में मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं जो है प्लांट्स इस तरह ग्रो कर देती हूँ, ये देखिए। और जब प्लांट्स इस तरह का इतने हेल्दी हो जाते हैं, तो ये देखिए ये चावल का ही वो है ग्रो बैग छोटा सा, ये देखिए इंडिया गेट लिखा है इसमें, और ये देखिए, और इसमें मैंने ये प्लांट ग्रो किया हुआ है, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो हम इन छोटे छोटे जो है इस तरीके के पॉली बैग जो होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं गार्डन में प्लांट्स जो है ग्रो करने के लिए, और जब रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने जो है ऑयल जिसमें आता है फॉर्च्यून, उसमें लगाया हुआ है, ये देखिए आप, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये कटिंग मैंने अभी लगाई है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ये देखिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके के छोटे छोटे वेस्ट ग्रो बैग्स में लगाना, बॉटल्स में लगाना प्लांट, और ये देखिए ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है इस पौधे का। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी, और ये देखिए एक छोटी सी बॉटल, ये देखिए कितनी छोटी बॉटल है, और ये देखिए ये भी जो है ऑयल की बॉटल है, और इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई है, और आप कटिंग की ग्रोथ देखिए, ये देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये प्लांट जो है इतनी अच्छी इसने ग्रोथ ले ली है, ये देखिए ये छोटी सी बॉटल में, ये देख सकते हैं आप। तो इन छोटी छोटी बॉटल्स में भी जो है प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और ये देखिए ये फिर से वो छोटी सी ऑयल की बैग जिसमें मैंने प्लांट ग्रो किया हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह छोटे छोटे बैग्स में भी प्लांट्स बहुत अच्छे चल जाते हैं। ये आप देखिए, ये भी मैंने जो है छोटी सी नमकीन की जो आती है उसमें ग्रो किया हुआ है, और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की, ये देखिए इतनी छोटी सी बैग में, बहुत ही छोटा है ये पैकेट, बहुत ही छोटा है, ये देखिए बहुत छोटा सा पैकेट है, इसमें मिट्टी भी बहुत कम है, ये देखिए, और ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, तो ये थी दोस्तों आज की मेरी छोटी सी एक जानकारी, कि अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे ग्रो बैग्स में भी घर पे ही हमें मिल जाते हैं, हमारे रसोई घर से ही, तो उनमें भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।